राजस्थान कोरोना महामारी से जूझ रहा है और लोग ऑक्सीजन दवाओं के अभाव में दम तोड़ते नजर आ रहे हैं। वहीं ऐसे गंभीर हालातों में कालाबाजारी ने एक अलग ही रूप ले लिया है और तो और जिंदगी को बचाने के लिए जरूरी सांसों तक की भी कालाबाजारी हो रही है। ऑक्सीजन की जरूरत को देखते हुए मुनाफाखोर लोग ऑक्सीजन की कालाबाजारी कर रहे हैं। रेमडेसिविर इंजेक्शनों की संक्रमित गंभीर रोगियों के लिए बहुत जरूरी, इसी बात का फायदा उठाकर कुछ लोग इस जीवन रक्षक इंजेक्शन की कालाबाजारी करने में भी पीछे नहीं हट रहे हैं। राजधानी जयपुर में लगातार कोरोना के इलाज में मददगार साबित रेमडेसिविर इंजेक्शन व ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी के एक के बाद एक मामले सामने आ रहे हैं। राजस्थान में कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है। कोरोना के बढ़ते मरीजों के साथ ही ऑक्सीजन और रेमडेसिविर की कमी से राज्य में हालात खराब, ऐसे में इन कालाबाजारियों से परेशान गहलोत सरकार को मजबूरन फैसला लेना पड़ा कि अब इसकी बिक्री राजस्थान सरकार ही करेगी। इससे निश्चय ही रेमडेसिविर की कालाबाजारी कर रहे लोगों पर नकेल कसी जा सकेगी। सरकार द्वारा बनाई गई कमेटी निजी अस्पताल को रेमडेसिविर की दवा सप्लाई करेगी, वह भी डिमांड की सच्चाई का पता करने के बाद। इस संबंध में जिला कलेक्टर अंतर सिंह नेहरा ने जिले के सभी निजी चिकित्सालयों को निर्देशित किया है। बता दें कि रेमडेसिविर औषधि के लिए जारी की गई अधिकृत ईमेल आईडी पर आवेदन करना होगा। आपको बता दें कि सरकार के भरपूर प्रयासों के बावजूद भी ऑक्सीजन व रेमडेसिविर इंजेक्शन व अन्य दवाओं की कालाबाजारी पर अंकुश लगाना सरकार के लिए बड़ी चुनौती बन गया। ये जीवन रक्षक दवाएं आम आदमी की पहुंच से दूर हो रही। खबरें तो ये भी हैं कि ब्लैक मार्केट में 800 रुपए की दवा 1.25 लाख रुपए तक बिक रही है। इसे रोकना सरकार के सामने बड़ा चैलेंज बना हुआ है।